Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. This is Nitin Sharma, your maths teacher, and today we are going to start with our new topic of chapter 8, that is compound interest. क्लास 7th में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, जस्ट पहले हम उसे रिकॉल कर लेते हैं. ओके, उसमें क्या देखा था आपने? पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि इफ अगर आपका प्रिंसिपल इफ प्रिंसिपल अमाउंट से पी रुपीस एंड रेट रेट इज इक्वल टू आर परसेंट पर एन मीन्स पर ईयर. ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू टी इन ईयर्स. ये मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूं. प्रिंसिपल से पी रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर परसेंट पर एन एम, टाइम पीरियड इज टी विच इज इन ईयर्स. देन सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय SI, simple interest abbreviation is SI, is given by SI is equal to P multiply R multiply T by 100. Okay, so simple interest हमें किससे found होगा? SI is equal to PRT by 100, where P is your principal amount which is in rupees, R is your rate of interest which is in percent and in per annum, and time period T which is in years. Then simple interest is given by PRT by 100. Okay? ये आपने देखा था simple interest में. इसका आप एक example लेके समझ लेते हैं. जैसे if आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है से 5,000 rupees, ओके, एंड से रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले लेता हूं 10% पर एन, ओके, सो एसआई फॉर 1 ईयर. 1 ईयर का एसआई कितना होगा? तो एसआई का फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास पीआरटी बाय 100. सो पी हमने कितना ले लिया है यहां पे 5000 मल्टीप्लाई आर दैट इज 10, और कितने ईयर के लिए निकाल रहा हूं मैं? 1 ईयर के लिए. सो मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपका पी हो गया. ये आर इज 10%, 10 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टाइम पीरियड टी विच इज 1 ईयर, ईयर में होना चाहिए, एंड बाय 100. इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 20 से आपके 20 कैंसिल. सो क्या मिलेगा आपको? 500 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 500 rupees. ये क्या रहा? सिंपल इंटरेस्ट रहा. कितना रहा? 500 rupees. कितने इयर्स के लिए? 1 ईयर के लिए. सेकंड हम निकालते हैं एसआई फॉर 2 ईयर्स. तो 2 ईयर्स के लिए जनरली चेंज किसमें होगा? आपका पी एज इट इज रहेगा, आर एज इट इज रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यहां पे? 2 ईयर्स, दैट इज 5000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 बाय 100. ओके, 20 से 20 कैंसिल. सो आपका क्या रहेगा? 500 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1000. क्लियर? सिमिलरली अगर हम 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 3. सो एसआई फॉर 3 ईयर्स क्या रहेगा आपका? 5000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो आपका 3 ईयर्स के लिए क्या आ जाएगा? 1500 rupees. कितना आ जाएगा? 1500 rupees. एंड ऐसे हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए फाइंड कर सकते हैं.
तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए या 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ओके okay? यानी कि उसमें चेंज होता नहीं है, वो थ्रू आउट आपका एनी इयर्स के लिए, कितने इयर्स के लिए भी आपको फंड करना हो वो सेम रहता है। लेकिन दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज इन बैंक्स, कॉरपोरेट्स, पोस्ट ऑफिस एंड एनी मनी लैंडिंग एंड डिपोजिट कंपनीज, ओके। ये मेथड जनरली आपकी यूज होती नहीं है। तो कौन सी मेथड यूज होती है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट आया, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना आया, 500 रुपीज आया, वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। दैट इज नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, 5000 प्लस 500 दैट इज 5500 रुपीज। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5000 ना रहकर क्या रहेगा, 5500 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सपोज आपने 5000 रुपीज लिए विद द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो आपको कितना इंटरेस्ट लगा, 500 रुपीज इंटरेस्ट उस पर देना पड़ा, तो आपको वन ईयर उसको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट इज पी प्लस आई, दैट इज 5500 रुपीज आपको पे करने रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके टोटल अमाउंट, और वी कैन से अमाउंट, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या गिवन है हमें, इफ द बोरोअर एंड लैंडर, अभी ये बोरोअर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, बोरोअर क्या होता है, जो उधार लेता है दैट इज बोरोअर, एंड लैंडर जो उधार देता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडर, क्लियर। अब कोई हमें बोरो मनी बोरो करने के लिए दे रहा है तो हमें ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, वो हमसे क्या लेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा इनकम लेगा, विद द प्रिंसिपल इनकम, प्रिंसिपल इनकम के साथ, यानी जो इनकम उसने दी है वो तो लेगा ही लेगा, और जितने टाइम पीरियड के लिए उसने दी है उसके लिए उसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें उसे पे करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ओके। अब ये टू अलग अलग टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हमने समझ लिया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या नियम है वो हमें देखना है, ओके। सो इफ द बोरोअर एंड लैंडर एग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल becomes the principal of the next interval, then the total interest over all the interval calculate this way is called CM। generally सिर्फ read out करने से ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमने एक example solve करके then उससे relate करेंगे और इसे समझेंगे, clear। so हमें क्या given है यहाँ पे, find the CI means compound interest on rupees 1000 for 2 years at 4% per annum। इससे पहले आप क्या पढ़ते आ रहे थे, फाइंड दी SI का सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर लेते, दैट इज PRT मल्टी डिवाइड बाय 100, और सिंपल आपको P गिवन होता था, R गिवन होता था एंड टाइम पीरियड गिवन होता था, जस्ट आपको पुट वैल्यू करनी रहती थी, ओके। अब इसमें हमें किस तरह करना है बोलिए, तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा, 1000 रुपीज, ओके। एंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो सिंपल हम SI का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते थे, दैट इज PRT मल्टीप्लाई 100, तो P हमारा यहाँ पे क्या है, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई R, दैट इज 4% पर एनम पर ईयर,
और कितने ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आया, 40 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 1000 प्लस 40 रुपीज, रुपीज 1000 प्लस 40 दैट इज 1040 रुपीज। ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आएगा। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें कंपाउंडेड। अब ये जो आपका अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए, हमें कितने इयर्स के लिए निकालना है, 2 इयर्स के लिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट क्या बन जाता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, इसमें ये चेंज होता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, रुपीज 1040 रुपीज हो जाएगा, 1040 रुपीज हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज, अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1040, जो पहले कितना था, 1000 था। सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज क्या रहती थी, कॉन्स्टेंट रहती थी, भले आप कितने इयर्स के लिए भी निकालो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता था, लेकिन इसमें वो क्या करेगा, वेरी करेगा, इतना हमें ध्यान रखना है। सो रुपीज 1040 मल्टीप्लाई आर एंड सो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज योर पी आर एंड टी डिवाइड बाय 100। ओके, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर के लिए आपका आ गया, दैट इज 0 से 0 कैंसल आउट, 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4 एंड डिवाइड बाय 10 दैट इज 41.6 रुपीज। ओके, ये आपका किसके लिए आ गया, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, सो अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ, ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 1040 प्लस 41.6 दैट इज 1081.6 रुपीज, 1081.6। ये क्या था, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सीआई का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह निकालते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, और वी कैन से प्रिंसिपल, ठीक है, आपके प्रिंसिपल वैल्यू एंड अमाउंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आपका अमाउंट हमें 2 इयर्स के लिए चाहिए था, अमाउंट आपका कितना आ गया, 1081.6 रुपीज, एंड आपका प्रिंसिपल कितना था, रुपीज 1000। तो सीआई आपका क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका, 1081.6 रुपीज माइनस आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट इज 1000 रुपीज इज इक्वल टू 81.6 रुपीज। क्लियर, ये आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम चीज को आपने सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड करना सीखा था, जनरली आप वो क्या करते थे, 1000 मल्टीप्लाई 4 एंड कितने इयर्स के लिए गिवन है दैट इज 2 एंड डिवाइड बाय 100। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हर ईयर का अलग अलग फाइंड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलके वो सेकेंड ईयर का क्या बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है। ओके, इसमें ये चीज डिफरेंट होती है। एंड अगर ये हमें 3 इयर्स के लिए बोला होता तो
तो ये अमाउंट जो है हमारी नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल के लिए, ये वाली अमाउंट हमारी एज अ प्रिंसिपल यूज होती। क्लियर, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये था आपका लॉन्ग मेथड। अब ये ही सम हम डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर, ओके।